हाय गाइस, मेरा नाम है विकास और आप मुझे देख रहे हैं ETU स्टूडियो पे। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि आई रन ए डिटेलिंग स्टूडियो इन गुरुग्राम, जिसका सारा डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी गाड़ी लेके आया हूं जो कि काफी ज्यादा यूनिक एंड स्पेशल है। भाई मेरे पास है 55 लाख रुपए। 55 लाख रुपए में मुझे एक गाड़ी खरीदनी। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे। मैं एक सेडान ले सकता हूं, मैं एक हैचबैक ले सकता हूं, मैं एक एसयूवी ले सकता हूं, मैं फॉर्च्यूनर ले सकता हूं। भाई फॉर्च्यूनर एक ऐसी गाड़ी है ना जो बहुत लोगों का ड्रीम होता है, बट मैंने एक ऐसी गाड़ी सेलेक्ट की जो ना किसी के पास है ना ही रोड पे ज्यादा दिखती है। वो है मिनी कूपर एस। तो ये मिनी कूपर एस हमारे पास आई पानीपत हरियाणा से। पूरे पानीपत हरियाणा में ये शायद अकेली ऐसी गाड़ी होगी जो रोड पे सबसे अलग दिखती है। इसका कलर इतना प्यारा रेड कलर था और इसमें एक्चुअली ड्यूअल टोन था रेड एंड ब्लैक का। जब ये गाड़ी हमारे पास सबसे पहले बे पे आई, पूरा स्टाफ इस गाड़ी को देखने में लग गया, क्योंकि ये पहली मिनी कूपर एस थी जो हमारे बे पे आ रही थी और जिसपे हम करने वाले थे कुछ यूनिक। अब गाड़ी तो यूनिक है, उस पर कुछ अलग सा करके ना इसको और ज्यादा खूबसूरत करने का प्लान हमने किया। अब भाई इतना तो हो गया ज्ञान, और इससे पहले कि हम मेन वीडियो पे आएं, मैं डेफिनेटली आपको इस गाड़ी के इंटीरियर जरूर दिखाना चाहूंगा। इस गाड़ी के इंटीरियर्स में भाई साहब एकदम ही अलग सी फीलिंग आती है। यहाँ पे हमें मिलता है एक फुल्ली डिजिटल क्लस्टर जो कि स्पीडोमीटर और यहाँ पे टैकोमीटर का काम करता है। प्लस इसका जो यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। नॉर्मली ऐसे किसी भी गाड़ी में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है जो हमें मिनी कूपर देता है। प्लस ये आगे के दो सीट्स काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस हैं। यहाँ पे अपने को एक हैंड ब्रेक मिल जाता है, प्लस यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग का पैड है, ये बहुत ही यूनिक है, और ये वायरलेस है। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल लगा के, कोई भी मोबाइल, किसी भी साइज़ का मोबाइल लगा के मोबाइल चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे इसका मिल जाता है हमें गियर लीवर, प्लस यहाँ पे कुछ मोड सेलेक्टर्स के बटन, यहाँ पे पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम का कंट्रोल, और यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक स्टार्ट स्टॉप फीचर है जो कि है यहाँ पे आप जैसे ही ब्रेक पे प्रेस करते हो ये लाइट थोड़ी सी ब्लिंक करती है और आप इस बटन को दबा के गाड़ी स्टार्ट कर लेते हो। एक पेट्रोल इंजन, आपको पता चलता है कि भाई दिस कार इज पावर्ड बाय ए 2 लीटर पेट्रोल इंजन, और वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी है। प्लस ओवरऑल जितने भी बटन्स हैं, आपको यहाँ पे बैठने के बाद ना ऐसा फील होगा कि आप एक कॉकपिट में बैठे हो, जहाँ पे सारे कंट्रोल्स भी ना आपके स्विचेस जो हैं बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं। पूरी जो सनरूफ है आपको मून रूफ वाली फीलिंग देती है। प्लस फ्रंट वाला पार्ट को आप ओपन भी कर सकते हो जस्ट इन केस अगर आप पहाड़ों पर जा रहे हो और आपको फ्रेश एयर अपने केबिन के अंदर चाहिए। बट जितनी कम्फर्टेबल इसकी फ्रंट सीट है उतनी ही अनकम्फर्टेबल इसकी रियर सीट है। पीछे देखें तो यहाँ पे एक्चुअली बच्चे भी नहीं बैठ पाएंगे। मैं नॉर्मली गाड़ी पीछे करके एकदम यू नो स्टेयरिंग से दूर बैठ के चलाता हूँ ताकि मेरे हैंड्स एकदम स्ट्रेट रहें, और उस सिचुएशन में यहाँ पे पैर रखने के लिए बिल्कुल भी लेग स्पेस नहीं है। बट ओवरऑल अगर मैं रेट करूँ इसके इंटीरियर्स को तो ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक एंड डिफरेंट है। और सिर्फ गाड़ी का इंटीरियर ही नहीं यार, इस गाड़ी के बारे में हर एक चीज़ यूनिक है। चाबी देख रहे हो, इस गाड़ी की चाबी बहुत ही अलग है, और ये चाबी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है नॉर्मल चाबियों से, और इसके पीछे मिनी की बैजिंग भी आती है। तो मिला जुला के यार पूरी की पूरी गाड़ी ना एक छोटा बम बड़ा धमाका है। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। जब ये गाड़ी हमारे पास आई तो कस्टमर ने ये डिसाइड नहीं किया था कि इसमें मैट कराना है या ग्लॉसी, बट वी रेकमेंडेड कि इस रेड कलर को मैट काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा, और हम इसको डुअल शेड देंगे मैट एंड ग्लॉसी का, जिसमें हम गाड़ी का लोअर पार्ट मैट में करेंगे एंड जो अपर रूफ पार्ट है उसको हम करेंगे ग्लॉसी, ताकि गाड़ी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लगे। ये पहली मिनी कूपर है जो यहाँ पे आई है, बहुत सुंदर है यार। इंटीरियर देखो यार, क्या फ्रेमलेस डोर तो बहुत ही जबरदस्त है। आई थिंक मैट एंड ग्लॉस ज्यादा अच्छा लगेगा, मैट एंड ग्लॉस का कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा लगेगा। सर अभी तो जस्ट पूरा जब इसका शाइन अंदर से अच्छा से ये करेंगे ना, उस समय बहुत अमेजिंग लगेगा। ये का ब्लैक भी डिफरेंट है सर, ये प्रॉपर आपको ना जो पियानो ब्लैक फिनिश है ना उससे थोड़ा सा डल साइड पे पियानो ब्लैक, मतलब पियानो ब्लैक ज्यादा ब्लैक आपको दिखता है। तो सेम एलॉयज के कलर और उसका कलर ना ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये प्लास्टिक कैनवस है, ये डिफरेंट कलर है, ये डिफरेंट, ये अलग है और ये अलग है सर। फॉर्च्यूनर में वो ऊपर सैटन ब्लैक किया आता है, वो जैसे वो ग्लॉसी ब्लैक नहीं, वो सैटन ब्लैक है, और ये पियानो ब्लैक नहीं है, पियानो ब्लैक से थोड़ा लाइटर शेड है, मतलब ग्रे एंड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है ताकि पूरा एकदम डार्क नहीं। बट ये बहुत अभी धुलेगी ना सर, तो ये बहुत अच्छी अच्छी भी।
अब जब भी कोई अपने स्टूडियो पे आता है ना, तो हम सारी चीजें उनको एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में, प्लस हम उनको ये बताते हैं कि इस गाड़ी पे क्या हमारी तरफ से करना चाहिए ताकि इस गाड़ी का इंटीरियर्स एंड एक्सटीरियर्स हमेशा अच्छे से मेंटेन रहे। और वही सेम चीज यहाँ पे हमने क्लाइंट को एक्सप्लेन किया बिफोर टेकिंग हिज फाइनल अप्रूवल फॉर द वर्क। तो जितने भी छोटे छोटे ये है ना, वो पूरा हमें ना रिमूव, वो क्ले से रिमूव हो जाए, क्योंकि वो पेंट के ऊपर है, पेंट के अंदर नहीं है। पेंट के अंदर रहता ना तब ज्यादा, और फिर क्ले करने के बाद फिर हम इसको बफ करके इसका, क्योंकि ये सॉलिड रेड कलर है, फिर उसका ग्लॉस एनहांस करने के बाद, उसका पूरा पॉलिशिंग करने के बाद, फिर हम इसको बेच लेते हैं। भाई हम बहुत एक्साइटेड है इस गाड़ी को लेके, क्योंकि इस गाड़ी पे जो हम करने वाले हैं ना, वो बहुत ही यूनिक होने वाला है। फिलहाल तो देखो, अब इस गाड़ी पे ना हम मैट करके कुछ कर रहे हैं, जिसमें मैट और ग्लॉसी का लुक देंगे। और यहाँ पे ना हमें इसका कैलिपर चेंज करना है, तो अभी टायर्स हम रिमूव कर रहे हैं, और क्योंकि इसका एलॉय ऑलरेडी ब्लैक में है, तो एलॉयज को हम पेंट नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज इस पूरी गाड़ी को जो रेड और ब्लैक का जो थीम मिलने वाला है ना, वो काफी ज्यादा जहर लगने वाला है। अब नॉर्मली जब हम किसी भी गाड़ी पे शाइन रिस्टोरेशन का प्रोसेस करते हैं, तो हमें सिर्फ उस गाड़ी का पेंट ही एनालाइज नहीं करना पड़ता है, ये भी देखना पड़ता है कि उस पेंट पे कोई एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज तो नहीं है। और यहाँ पे एक चीज क्लाइंट ने हमें बताया था कि उनके घर के बगल में एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी, और उस पे बहुत सारे पेंट के वाइट फुआर के मार्क्स थे, तो हमें यहाँ पे प्रॉपरली क्ले प्रोसेस करके इसको रिमूव करना था बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट द PPF ऑन दिस कार। अब गाड़ी अभी आपको ना सारी ग्लॉसी लुक में दिख रही है, बट जो इसका एक्चुअल लुक आना था, वो आना था PPF के बाद, जो हम इसमें करने वाले थे मैट PPF। तो गाड़ी को यहां से अपने मेन बे पे ले जाते हैं, जहां पे गाड़ी पे PPF का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी को ना फाइनली हमने PPF करके अपने मेन बे पे लाया। अब इसमें सिर्फ PPF नहीं है, एक कोई भी अच्छी गाड़ी या कोई भी गाड़ी को ना बाहर और अंदर दोनों से बचाना, एब्रेशन से बचाना बहुत ज़रूरी है। और एग्जैक्टली सेम चीज़ कर रहे हम इस गाड़ी में, जहाँ पे बाहर में तो हमने इसमें मैट PPF किया है, इसको हमने मैट और ग्लॉसी का लुक दिया, बट
इसके इंटीरियर्स को भी हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं हम इसके इंटीरियर्स को कंप्लीटली डिटेल करके एंड उसको कोट करके, जो भी लेदर पार्ट्स है उस पर हम कोटिंग कर रहे हैं, प्लस हम कर रहे हैं कोटिंग प्लास्टिक ट्रिम्स पे, ताकि इसका इंटीरियर सालों साल तक एकदम ही नया जैसा रहे। इसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं ना जिसपे हमने ग्रफीन करना है, जैसे कि ये छोटे लाइट्स के पार्ट, ठीक है, ये छोटे पार्ट्स हैं, इस पर हम ग्रफीन करेंगे। ये यहाँ पे छोटा सा जो ग्रिल है, ये जो छोटे पियानो ब्लैक पार्ट है, ये छोटा सा जो लोगो है, इन सब पे हम ग्रफीन करेंगे। प्लस इसके ORVMs वगैरह तो हमने सारे PPF कर दिए। जो छोटे मोटे पार्ट्स हमें दिख रहे हैं जहाँ पे PPF एप्लीकेशन नहीं हो सकता, वहाँ पे हम ग्रफीन एप्लीकेशन करेंगे। अगर आप यहाँ देखो तो इसके सारे इंटीरियर्स के पियानो ब्लैक पार्ट हमने PPF किया है, ताकि इस पे जो हाथ से या कड़ा या फिर अंगूठी से जो एब्रेशन होता है, जो इस पे स्क्रैचेस पड़ते हैं, वो नहीं पड़े और ये सालों साल ऐसा ही दिखता रहे। तो फाइनली इस पे काम चल रहा है, देखते हैं कि कस्टमर को ये गाड़ी कैसी लगती है एक बार जब ये पूरी तरीके से रेडी हो जाए। उससे चार गुना अलग है गाड़ी। हमें हकीकत में इतनी उम्मीद नहीं थी कि मकेश का जो लुक आएगा ऐसा आएगा। अलग से ही दिख रही है, जब आई थी जब नॉर्मल थी, अब कुछ और हो गई। अज्जू भैया ने भी इसकी स्टोरी डाली थी, हम जितने साथ में बैठते हैं, मकेश यार गाड़ी बवाल हो गया है। तो हमने आते ही देखी थी गाड़ी, हकीकत में कुछ यूँ नहीं है, एक भाई विकास भैया के पास आ रखे, तो इनकी बढ़ाई करेंगे। गाड़ी अच्छी लग रही है तो लग रही है भाई। तो हमने जो सोचा था उसको मैट कर देते तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता सर, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इतने दूर आए थे ना, वो पूरा हो गया। अब ये गाड़ी हमें जितनी प्यारी लग रही थी ना, उतना ही क्लाइंट को भी प्यारी लगी। एंड दिस ब्रिंग्स अ बिग बिग स्माइल ऑन अ फेस, क्योंकि क्लाइंट का एप्रिसिएशन हमारे लिए सर्वोपरि है। बाकी आप बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। एक थोड़ा सा डिफरेंट लुक हमने इस गाड़ी को देने की कोशिश की, जो कि क्लाइंट को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को थम्स अप देना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब करके बहुत सारा प्यार देना। आपके फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, गुड बाय।